तो वहीं बीजेपी के संकल्प पत्र को कांग्रेस ने जुमला पत्र करार दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने बीजेपी के मैनिफेस्टो पर सवाल उठाते हुए कहा कि 2014 के जुमले और वादों को फिर से नए कलेवर में बीजेपी ने पेश किया है। चुनाव के चलते फिर से बीजेपी किसानों की दोगुनी आय करने की बात कह रही है, राम मंदिर बनाने की बात कह रही है। तो वहीं सलूजा ने कहा कि बीजेपी ने 2014 के एक भी वादे को आज तक पूरा नहीं किया, अब फिर से उन्हीं बातों को लेकर देश की जनता के साथ छलावा किया जा रहा है। वापस लाने की बात करते थे, वही की वही वादे वापस। बात कर रहे हैं किसानों की आय दोगुनी करेंगे, 5 साल की सरकार बीत गई, 60 माह का कार्यकाल हो गया, अब कह रहे 2022 में करेंगे। यह घोषणा पत्र जो जुमला पत्र है पूरा करेंगे पर आधारित है, इसमें कोई भी चीज किए वाली नहीं है, कोई भी चीज इन्होंने जो ठोस काम किया उसकी बात नहीं है, पूरी तरह से जुमला पत्र है, मोदी जी का जुमला पत्र, 48 पेज का 75 संकल्प पत्र के साथ एक नया जुमला पत्र। ऐसा लग रहा है कि भाजपा ने 2014 का अपना घोषणा पत्र वापस से गलती से जारी कर दिया। आप देखेंगे 2014 में भी राम मंदिर की बात करते थे, 2019 में फिर राम मंदिर की बात कर रहे हैं, धारा 370 हटाने की बात करते थे, पीटी से हटाने की बात करते थे, 2019 में वही की वही बात वापस, कश्मीरी पंडितों को वापस लाने की बात करते थे, वही की वही वादे वापस। बात कर रहे हैं किसानों की आय दोगुनी करेंगे, 5 साल की सरकार बीत गई, 60 माह का कार्यकाल हो गया, अब कह रहे हैं 2022 में करेंगे। यह घोषणा पत्र जो जुमला पत्र है पूरा करेंगे पर आधारित है, इसमें कोई भी चीज किए वाली नहीं है, कोई भी चीज इन्होंने जो ठोस काम किया उसकी बात नहीं है।